module 107 and we are going to study the chapter of production analysis and the topic is production function what is meant by a production function if we generally say it is just a relationship a relationship that has to just join certain inputs and those inputs will be utilized to have certain output but if in a technical term, we will say, then we can say that it is a mathematical or the technical relationship of combining various inputs to have a very certain specific output. And this production function that has to be utilized, it has to utilize various aspects of the theory of the firm. And now, if we coming to that point, we have to decide what are the basic two main aspects.

उसके रिसोर्सेज लिमिटेड हैं एंड वेन द लिमिटेड तो एंटरप्रन्योर द प्रोड्यूसर द ऑनर उसका सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी कि ही और द शी हैज टू सेलेक्ट द लीस्ट कॉस्ट कंबिनेशन ऑफ द रिसोर्स और द लीस्ट कॉस्ट मैथड और द लीस्ट कॉस्ट टेक्नोलॉजी जिससे वो अपना गिवन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर सके सो प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे जो वेरियस इनपुट्स हैं वो हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम इनके वेरियस सिस्टम्स में इनका एक्सचेंज करके इनकी क्वांटिटीज को चेंज करके ये देखें कि कौन सा मेथड या कौन सा कंबीनेशन है जो हमें विद द लीस्ट कॉस्ट बेस्ट आउटपुट अवेलेबल रखता है और जो मार्केट में फर्दर प्रोड्यूस करके सेल किया जा सकता है और इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि अगर गिवन रिसोर्सिस हैं तो विद गिवन रिसोर्स हम मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इफ वी सी कि इन तमाम एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो जो मेन एवेन्यू हमारे सामने आता है उसका नाम दे दिया गया कि देर आर कैन बी द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट वो एक कम्बिनेशन है वो दूसरा कम्बिनेशन है और वो तीसरा कम्बिनेशन है लेकिन दीज ऑल विल बी द वेरियस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स दैट हैज़ टू बी यूटिलाइज अब यहाँ पर अगर हम देखें कि प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली क्या है ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है किस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्ज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरियस नेचर नंबर ऑफ द इनपुट्स इन अ नंबर ऑफ द आउटपुट्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि देर आर इफ टू ऑनली इनपुट जिस तरह तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं ये सेकेंड इक्वेशन में कि इफ हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन वो है जिसमें हम कहें कि हम सिर्फ दो इनपुट्स को ले रहे हैं जी वन और जी टू या हम किसी जी वन जी टू की हम कह सकते हैं क्योंकि हम लेबर वन लेबर टू ले सकते हैं हम कैपिटल वन कैपिटल टू ले सकते हैं हम ये भी है लेबर और कैपिटल ले सकते हैं और इनिशियली इससे जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है हम उसका एक वेक्टर बनाते हैं और हम कहते हैं कि दिस जी वेक्टर इज द फंक्शन और ये हमें जो आउटपुट दे रहा है वो जी वन और जी टू दे रहा है और जो नॉन नेगेटिव आई मीन देयर शुड बी सर्टन प्रोडक्शन अब हमारे पास मेन ये है कि दिस जी वन एंड जी टू का कंबिनेशन क्या हमें जो मैक्सिमम अवेलेबल और द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द आउटपुट है क्या हमें वो दे रहा है या उससे कोई कम दे रहा है सो नाउ वी हैव टू डिसाइड दैट द फर्म इज गोइंग टू प्रोड्यूस बट आइदर द फर्म इज प्रोड्यूसिंग द ऑप्टिमल लेवल ऑफ द आउटपुट और वो ऑप्टिमल लेवल क्या होगा द मैक्सिमम लेवल दैट हैज़ टू बी अटेंड विद द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज और अदरवाइज उससे कुछ कम भी हो सकता है अब इन दो या तीन स्टेजेस में व्हेन हम देखते हैं तो हम ये डिसाइड करेंगे कि दिस लेवल ऑफ द आउटपुट दैट इज कॉल्ड वाई ये जीरो से शुरू होके हमने इसको क्योंकि पॉजिटिव लेना है मैक्सिमम इट कैन गो टू तो दिस लेवल एंड दिस मैक्सिम लेवल दिस इज द ऑप्टिमल और द मैक्सिमम लेवल इफ़ दिस प्रोडक्शन इज इक्वल टू दैट एक्चुअल लेवल दैट द फर्म इज हैविंग एफिशियंट लेवल ऑफ द प्रोडक्शन और वी कैन से दैट फार्म इज प्रोड्यूसिंग एफिशेंटली अब इसी तरीके से अगर हम देखें तो अगर एक फर्म अगर मैं इस ग्राफ में देखूँ तो वो यूटिलाइज कर रही है जी वन इनपुट को और दूसरे साइड पर यूटिलाइज कर रही है फर्म जी टू को अब इनको यूटिलाइज करते हुए अगर वो एक आउटपुट ये वाला प्रोड्यूस कर रही है दिस इज आउटपुट और उसी तरीके से वेरियस ऑफ हमारे पास ऑप्टीमल हैं तो ये हमारे पास एक बाउंड्री आ रही है जिसको हम कहें तो ये ऑप्टीमल या उसका मैक्सिमम आउटपुट है सो नाउ द फर्म कैन हैव आइदर दिस मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट और इन बिटवीन हेयर 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 और हेयर अब अगर हम देखें तो ये इनएफिशंट लेवल जिसको अगर हम शो कर रहे हैं तो इनएफिशेंट लेवल और यहाँ मैक्सिमम या एफिशेंट लेवल अगर हमारे पास मौजूद हों किसी फर्म्स के तो देन वी कैन फर्दर स्टडी दैट वाई द फर्म इज नॉट कमिंग फ्रॉम तो दिस पॉइंट टू दिस एंड दिस वो कौन से फैक्टर्स हैं क्या सिर्फ यूटिलाइजेशन ऑफ़ इनपुट्स इशू है या ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स हैं या उनके दरमियान डिफरेंट कम्बिनेशन का इशू है तो हम उन फैक्टर्स को फर्दर स्टडी कर सकते हैं इसी में अब एक चीज़ और है जो अगर हमें यहाँ पे देखनी होगी कि प्रोडक्शन फंक्शन में यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स के लिए कुछ असेंशियल पॉइंट्स हैं जो हमें मद्देनजर रखने हैं और उन असेंशियल पॉइंट्स को अगर हम देखें तो हम ये पहला जो एक ऑस्पेक्ट है वो ये है कि फर्स्ट असेंशियलिटी इज दैट दैट नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ एनी इनपुट मीन्स जब भी कोई चीज प्रोड्यूस करनी है उसके लिए किसी ना किसी इनपुट का इस्तेमाल होना मस्ट है तो इसीलिए अगर हम कहें तो वी हैव टू से दैट फंक्शन ऑफ जीरो एंड जीरो मीन द बोथ टू इनपुट इट कैन नॉट गिव एनी आउटपुट ये जीरो होगा लेकिन इसी के साथ साथ क्या कोई एक इनपुट इस्तेमाल अगर हम करें हम कहें कि यस देर इज अ फंक्शन जिसमें एक इनपुट हमने जीरो ले लिया और दूसरा इनपुट जो है हम सपोज हम कहते हैं हमने लेबर ले लिया और लेकिन आउटपुट फिर जीरो है वजह क्योंकि वट एवर टाइप हेयर ऑफ इनपुट वॉज रिक्वायर्ड दैट इज नॉट प्रोवाइडेड तो इट मीन्स सम टाइम अ वेरी स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन इवन इफ दैट इज नॉट प्रोवाइडेड तब भी प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगी तो so, अगर हम इसको देखें तो दिस इक्वेशन इट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंशियलिटी एंड दिस इक्वेशन इट गिव्स अस द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंशियल स्ट्रिक्ट असेंशियालिटी सो दिस कैन वी कैन यूटिलाइज मीन फंक्शन ऑफ ज़ीरो एंड कैपिटल एंड एट द सेम टाइम वी कैन से फंक्शन ज़ीरो ऑफ़ एनी थिंग इनपुट लाइक जी टू इफ इट इज़ यूटिलाइज इन द अदर फॉर्म अब अगर हम इस पर देखें तो हमारे इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे पास डिफ्रेंसीशन के दो ऑस्पेक्ट्स आ रहे हैं मीन टॉइसली और ये जो ट्वाइस डिफ्रेंसीन है हम अगले नए ने, जो नेक्स्ट ऑस्पेक्ट हैं हम अगर उस पर देखेंगे तो ये हमारे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टू इनपुट को प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे और वो मार्जिनल इनपुट या रेट ऑफ चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू इनपुट को जब हम देखेंगे तो वो उसके फर्दर ऑस्पेक्ट्स बताएगा कि दिस चेंज इन आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू वन इनपुट इज नॉट ओनली ड्यू टू वन इनपुट राधर वी हैव टू इंक्लूड some other factors of production also and when we have to deal with the change in only one input we have to assume the other factors of production as ceteris paribus or constant